आप देख रहे हैं अमेज नाउ। ओम गणपतये नमः। अमेज नाउ कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अष्टोवल नौ में बात करेंगे तीज त्योहार पे कौन कौन से ग्रह कहाँ पे स्थित हैं, कुछ रोचक तथ्यों पे बातचीत होगी, कुछ कालर्थ की समस्याओं पर भी बातचीत। आइए सबसे पहले नव मंडल में कौन कौन से ग्रह कहाँ पे स्थित हैं, इस पे बातचीत। सूर्य बुध शनि कुंभ में, मंगल वृष में, बृहस्पति और शुक्र मीन में, जहाँ हंस नामक और मालव्य नामक योग बन रहा है वहीं राहु मेष में है, केतु तुला में है। सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा सिंह राशि पे विराजमान रहेंगे। इस सप्ताह यानी आज 6 मार्च 2023 को रात में 12:53 के बाद होलिका दहन कार्यक्रम होगा, यानी आज मध्य रात्रि 6 और 7 की मध्य रात्रि आज 12:53 के बाद जब भद्रा पुच्छ पे होगा, 12:53 रात्रि के बाद होलिका दहन कार्यक्रम होगा। 8 मार्च को पूरे देश में सर्वत्र होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, व्यापार में सफलता के योग, संपत्ति में लाभ की स्थिति बन रही है, पिता का सानिध्य मिलेगा, कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ रहा है, निरर्थक वाद विवाद से बचें। वृष, अचानक किसी कार्य में लाभ की स्थिति बन रही है, नौकरी क्षेत्र में सावधानी से कार्य करें, अड़चने आ सकती हैं, अपनी भावनाओं को वश में रखें, परिवार का सानिध्य मिलेगा। मिथुन, रोजगार प्राप्ति के अवसर बन रहे हैं, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग, आरोग्य सुख में थोड़ी कमी रहेगी, व्यापार या कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा। कर्क, धैर्य बनाए रखें, नौकरी में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा धैर्य रखें, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा, दांतों के रोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सिंह, शिक्षा क्षेत्र में सफलता, वाहन के उपयोग में सावधानी रखें, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है, लेखन इत्यादि बौद्धिक कार्यों से आपका जीविकोपार्जन चलेगा। कन्या, राजकीय क्षेत्र में सफलता मिलने जा रही है, धैर्य बना कर रहे हैं, योजना बनाकर कोई कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने जा रही है, अपने भावनाओं को वश में रखें, मित्रों का सहयोग मिलेगा। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय जुबली रोड गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निःशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। इनका जन्म तिथि है 30 नवंबर 1983 शाम को 6:30 भीमावरम आंध्र प्रदेश। राम्या जी, आपका लगन निकला ब्रेस, राशि आ रही है कन्या, चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है। आपने अपना प्रश्न किया है करियर
व्यापार और स्वास्थ्य के लिए। राम्या जी, आपका वर्तमान में बृहस्पति में राहु चल रहे हैं 24 जुलाई 2024 तक, किंतु 11 नवंबर 2023 से आपके व्यापार के लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, थायराइड जांच कराएं, साथ ही आप माइग्रेन या आंखों के रोगों की शिकायत हो सकती है। आपका व्यापार निश्चित तौर पे 11 नवंबर के बाद अच्छा होने जा रहा है। आपको ज्योतिष उपाय में एक अच्छा सा पन्ना, 5 से 7 रत्ती के बीच दाएं हाथ की कनिष्ठिका में दिन बुधवार को धारण करें तथा एक रुद्राभिषेक गन्ने के रस से कराइए। हरि कृपा। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। तुला, कार्यभार का विस्तार होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, भूमि भवन से जुड़े कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं, निराशा से बचें, विकास की नई योजना बनेगी, परिवार का साथ मिलेगा। वृश्चिक, विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय, दोस्तों से कोई कार्य बनने का योग, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, कर्ज के लेन देन से थोड़ा दूर रहें। धनु, कारोबारी कार्य में सफलता मिलने जा रही है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, उस यात्रा से आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, भूमि से जुड़े कार्य हल होने जा रहे हैं, धन का योग भी बन रहा है। आइए पुनः एक कॉलर हैं, श्री भोगा राजू जी, ये भी आंध्र प्रदेश से हैं, ये अपना प्रश्न कर रहे हैं, इनका स्वास्थ्य और व्यापार कैसा रहेगा, आइए इनको देखते। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएँ उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9186874190008। होगा राजू जी, आपने अपना जन्मतिथि बताया 23 अप्रैल 1976, 1976, 4:30 सुबह, आंध्र प्रदेश के एलुरु जिला में इनका जन्म हुआ है। भोगा राजू जी, आपका लगन निकला मीन, राशि आ रही है मकर, धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा शनि में शुक्र, आपका समय 16 अगस्त के बाद बहुत अच्छा आ रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ा पेट के रोगों से सावधानी। आप ज्योतिष उपाय में एक अच्छा सा पुखराज दाएं हाथ के तर्जनी में दिन बृहस्पतिवार को धारण करें और प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश जी को हरा दुर्वा चढ़ाएं। हरि कृपा। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मकर, वाणी में मधुरता रहेगी, आत्मविश्वास पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा, किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव, कार्य क्षेत्र में परिश्रम होगा किंतु कार्य में सफलता होने से मन खुश रहेगा। कुंभ, आय के नए स्रोत बनेंगे, छने रुष्टा छने तुष्टा की प्रवृत्ति से बचना होगा, आलस्य प्रगति में बाधक हो रहा है, इससे कृपया बचें, चर्म रोगों में थोड़ा ध्यान रखें, विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय। मीन, अटके हुए धन मिलेंगे, वाणी में मधुरता रहेगी, कार्य क्षेत्र में परिश्रम रहेगा किंतु कार्य बनने से मन प्रसन्न भी रहेगा, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, आंखों के रोगों से जहां तक हो सके थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, सावधान रहें। आइए आज हम लोग बात करेंगे कुछ रोचक तथ्यों पे। आज हमने कहा, आज बृहस्पति और शुक्र
मीन में है, जहां बृहस्पति हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, वहीं शुक्र से मालव्य नामक योग बन रहा है। आप सभी के मन में उत्सुकता होगी कि ये हंस नामक राजयोग क्या है और मालव्य नामक राजयोग क्या है। हंस नामक राजयोग जब बृहस्पति धनु एवं मीन राशि में अपने स्वराशि हो और अपने उच्च राशि केंद्र में बैठे हुए करके हो तो हंस नामक महाराजयोग बनता है। ऐसे जातक शिक्षा में उच्च पद प्राप्त करने वाले, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले, न्यायाधीश का पद पाने वाले, भोग विलास में रुचि लेने वाले और विदेश यात्राओं के इनके योग भी होते हैं, जहां शुक्र से मालव योग का निर्माण होता है। शुक्र जब वृष और तुला के स्वराशि के हों और मीन राशि में जब उच्च का बैठते हैं तो मालव्य नामक राजयोग का योग बनता है। मालव्य नामक राजयोग में जन्म लेने वाले व्यक्ति राजसी ठाट बाट वाले होते हैं, राजाओं सी जिंदगी जीने वाले होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं किंतु महत्वाकांक्षी भी होते हैं। ये इंजीनियर, डॉक्टरी, मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले, फिल्म जगत में कार्य करने वाले होते हैं। इनका फल जब यह स्वराशि के हो या उच्च के हो तभी मिलता है, किंतु किसी कारण से अगर बृहस्पति और शुक्र की डिग्री कमजोर हो, अपने नित राशि में बैठे हो, इस योग में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उन जातक को बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु यानी भगवान श्री विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शुक्र से उपस्थित अगर मालव्य योग में कोई कमी आ रही है या शुक्र की डिग्री कमजोर है तो इनके लिए भगवान महादेव का रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप करना उत्तम रहता है। यह रहा इस सप्ताह का कुछ कालत की समस्याएं। तीज त्योहार पे बातचीत, नव मंडल में कौन कौन से ग्रह कहां पे उपस्थित हैं इस पे चर्चा हुई। हमको दीजिए इजाजत, पुनः मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। ओम गणपतये नमः। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।